अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। जब तक सस्पेंड नहीं होंगे जिम्मेदार नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। जौनपुर के बरई पार कबाड़ व्यवसायी का शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने सिकरारा पुलिस पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है और जिम्मेदारों को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा बार बार धमकाने, धन उगाही का दबाव बनाने के कारण गया प्रसाद कबाड़ व्यवसायी ने आत्महत्या कर लिया। वह मुंबई में था और पुलिस के डर से फांसी लगाकर जान दे दी। परिजन उसकी मौत का जिम्मेदार सिकरारा पुलिस को ठहरा रहे हैं और उनके सस्पेंड होने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जुलाई माह में सिकरारा पुलिस ने चक घसीटा नाथ मंदिर के बगल स्थित कबाड़ व्यवसायी के यहां छापा मारकर चोरी की 9 मोटरसाइकिलें समेत मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट बरामद किया था, जिसमें 4 आरोपी बनाए गए थे। प्रमुख आरोपी गया प्रसाद कबाड़ी को बनाया गया था। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अगस्त माह में कबाड़ व्यवसायी गया प्रसाद की जमानत मंजूर हो गई। जमानत पर छूटने के बाद वह मुंबई चला गया। आरोप है कि उसके मुंबई चले जाने के बाद सिकरारा पुलिस बराबर परिवार पर दबाव बनाए हुई थी, जिसकी जानकारी उसे हुई तो वह मुंबई में आत्महत्या कर लिया। रविवार को उसका शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन सिकरारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सस्पेंड करने की मांग करने लगे और शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। समाचार संप्रेषण तक परिजन शव दरवाजे पर रखकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।